कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट आर्ट सॉल्यूशंस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ एक्रेलिक शीट्स हमारे पास में कटिंग करके रखा हुआ है। ये है 5mm का क्लियर एक्रेलिक, इसे CO2 लेजर कटिंग मशीन से कटिंग किया है। और ये है 3mm का वाइट एक्रेलिक। ये द जावेद हबीब सैलून का साइनिस बनने वाला है। तो अभी फिलहाल हमको करना क्या है, इस एक्रेलिक को इसके ऊपर में पेस्ट करना है ताकि ये व्हाइट वाला एक्रेलिक मोटा आ जाए और इसमें साइड में क्लियर कलर का सेट हुआ है। तो इसके लिए हम पॉलीफिक्स का बॉन्ड मंगवाए हैं। बॉन्ड भी हमारे पास में आ चुका है, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से आया है, दिल्ली से कंपनी से डायरेक्ट। फोन करके देखते हैं इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है और इसका यूज भी आपको अभी हम बताएंगे। तो यूज क्या है और किस तरह से और कौन से जगह पे यूज करना सही रहेगा वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये है पॉलीफिक्स का एक्टिवेटर, इसका भी यूज अभी आपको बताएंगे या फिर पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, जब भी एक बार बताएंगे। तो ये पॉलीफिक्स का एक्टिवेटर है। और ये है बॉन्ड, पॉलीफिक्स का बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये 50 ग्राम का बॉन्ड है, ये पॉलीफिक्स का बॉन्ड है। तो फिलहाल हम इसे पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। पहले करना क्या है, ये हॉल करने के लिए इसमें पिन भी आपको मिलेगा, इस पिन को इस तरीके से हॉल करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक को और ये एक्रेलिक को पेपर हटा लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका भी पेपर उखाड़ लिया और इसका भी पेपर पीछे साइड से उखाड़ लिया, इसे साफ भी कर लेंगे इसी तरीके से। उसके बाद में थोड़ा नजदीक से देखा, देखिए इस तरीके से इस पे रखेंगे और इस पे पॉलीफिक्स का बॉन्ड हम इसमें इस तरीके से चारों तरफ डालेंगे। दोस्तों, हम पॉलीफिक्स का बॉन्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीफिक्स का बॉन्ड यूज करने से क्या होता है, इसमें दाग धब्बा नहीं छोड़ता है और पेस्टिंग भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोकल कंपनी का बॉन्ड यूज करेंगे तो इसमें वाइट कलर का धब्बा आ जाएगा, दाग धब्बा आ जाएगा, फिर फिनिशिंग सही से उसमें नहीं आएगा। देखिए, बहुत ही इजी है इस तरीके से चारों तरफ। और ये आप कुछ ही जगह पे भी डालेंगे इसे तो ये ऑटोमेटिक चारों तरफ फैल जाता है, ये बहुत ही पतला लिक्विड है और अच्छी तरीके से ये पेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर इसे आप और भी स्पीड पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आता है ये पॉलीफिक्स का एक्टिवेटर स्प्रे। अगर आप इसे और भी ज़्यादा स्पीड पेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ी देर में पेस्ट हो जाएगा। देखिए, जैसा कि ये पॉलीफिक्स का एक्टिवेटर है, इसे सिंपल इस पर इस तरीके से स्प्रे कर देना है, कुछ सेकेंड के अंदर ये पेस्ट हो जाएगा। और इस तरह का पेस्टिंग के लिए तो आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ता कहाँ पे है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे में ये है हमारे पास में
मेटल, ये है अल्मोनिया और ये है कास्ट एक्रेलिक। इस एक्रेलिक को रिपेयरिंग के लिए हमारे पास में आया है। इसमें पिछले बार जो जिन्होंने ये बोर्ड बनाया था सिलिकॉन लगा करके इसे पेस्ट किया था, तो इस कारण लेटर क्या था, ये इसका पेस्टिंग हट गया था और ये लेटर गिरने लगा था, इसलिए लेटर खुल करके मेरे पास में आया है इसे अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करने के लिए। तो इसे पेस्टिंग करने के लिए हमें चाहिए पॉलीफिक्स का जेल ग्लू और ये एक्टिवेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पॉलीफिक्स का जेल ग्लू और ये है मेटल और ये है एक्रेलिक। इसे पेस्ट करने के लिए हमें पॉलीफिक्स का जेल ग्लू चाहिए और ये जो स्प्रे अभी आपको दिखाई थी, ये स्प्रे का इसमें ज़रूरत लगेगा। तो इसे पेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें इस तरीके से हम पॉलीफिक्स का जेल ग्लू डालेंगे, कैसे इसे देखिए आप देख सकते हैं, ये लेटर नया नहीं है इसलिए थोड़ा गंदा है, ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। पिछले बार जिन्होंने बोर्ड बनाया था उन्होंने सिलिकॉन से इसे पेस्ट कर दिया था। दोस्तों सिलिकॉन में सबसे अच्छा क्वालिटी मेरे ख्याल से सैनगोइन का आता है, उसका भी यूज करके हमने चेक कर लिया है, उसका भी लाइफ नहीं रहता है, साल भर से 6 महीने के अंदर में क्या होता है उसका भी पेस्टिंग छोड़ देता है, तो वो बोर्ड लाइन के लिए नहीं है। साइनेज में अगर आप यूज करते हैं तो मेरे हिसाब से आप उसमें जेल ग्लू ही यूज करें। देखिए देखिए इस तरीके से इसमें लगाएंगे, ये सेट हो चुका है। तो ये सूखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इसे छोड़ सकते हैं इस तरीके से भी, अगर बहुत जल्दी है तो फिर आप इसमें स्प्रे इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे और कुछ समय इसको छोड़ देंगे, ये पेस्टिंग हो जाएगा। हालांकि पेस्टिंग तो ऐसे करना था, हमें एक्रेलिक में लगाना था पहले ग्लू और स्प्रे हमें इसमें करना था, लेकिन इसे मिलाने में तो उतना वक्त नहीं देता एक्टिवेटर, इसलिए हम पहले रख लिए, उसके बाद साइड से हम स्प्रे कर दिए हैं। और तो आप देख सकते हैं इसका पेस्टिंग जो है स्प्रे करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में बहुत अच्छा पेस्टिंग हो जाता है और पेस्टिंग हंसने का कोई भी चांस नहीं। अगर अभी भी आपको लगता है थोड़ा बहुत कहीं पे गैप, तो इस तरीके से इसमें गैप में डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने के कारण गैप मेंटेन कर लेता है। आप इस तरीके से इसे आप ऐसे इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं और इसमें स्प्रे कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से देखिए इसे पेस्टिंग बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अगर हम इसे निकालना चाहें अभी 10 मिनट अगर छोड़ दें और इसे निकालना चाहें तो ये निकलेगा नहीं, इसका एक्रेलिक टूट जाएगा लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो हम इसे निकाल के नहीं दिखाने वाले क्योंकि ये लेटर हमारा यूज का है और हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसे हम निकाल करके आपको नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा लेटर को हम क्या करेंगे, पॉलीफिक्स नॉर्मल बॉन्ड से, इसमें जेल ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल बॉन्ड जो आता है पॉलीफिक्स का ये वाला, इसे हम चारों तरफ से भी लेटर को हम पेस्टिंग कर देंगे। इस तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड इसमें डालेंगे और आप देख सकते हैं हम एक जगह पे डाल रहे हैं और ये ऑटोमेटिक चारों जगह कवर कर ले रहा है, सब तरफ कवर कर ले रहा है। देखिए बस इसे इसी तरीके से पेस्ट करके और इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। तो इसके बाद में अभी हम इसका वीडियो बनाने वाले हैं, ये जावेद हबीब का एसीपी का बोर्ड रहेगा, ये लेटर पेस्टिंग होगा, उसमें एलईडी लगेगा, सारा चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अगला वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे और सारा चीज़ आपको दिखा देंगे। फिलहाल अभी हमारा वीडियो यहीं तक के लिए है, तो
तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ मेरे, तब तक के लिए टेक केयर।